जैसे डेंजर नहीं है ना, डेंजर सब लोग कर सकते हैं, सभी लोग ओके। अभी हम लोग को डिस्काउंट चाहिए। आइलैंड घूमने के लिए आए थे हम लोग, अभी नॉर्थ बे आइलैंड भी घूमेंगे, तो अभी चलते हैं नॉर्थ बे आइलैंड की तरफ। गाइस तो अभी पहुंच गए और यहाँ पे सब वाटर एक्टिविटीज होती है, बहुत मजा आता है यहाँ पर। लास्ट टाइम भी मैं आया था, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, और आज तो बहुत धमाल करने वाला है। ओके सो गाइस अभी पहुंच गया हूँ मैं नॉर्थ बे आइलैंड और बहुत सही है। लास्ट टाइम भी मैं जब आया था यहाँ रुका था, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो आते हैं वो लोग वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए ही आते हैं। यहाँ पे सब आप लोगों को टिकट मिलेगी वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जो भी है स्कूबा डाइविंग स्नॉकलिंग ये सब के लिए। तो इधर मेन ये क्या है कि आप लोग जहाँ पे उन्होंने बोट पकड़ी थी वहाँ से भी आप लोग टिकट ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आके डायरेक्ट टिकट ले सकते हो। देखिए यहाँ पे मस्त एंजॉय कर रहे हैं लोग। अभी थोड़ा हम लोग पेट पूजा करेंगे यानी कि कुछ खाएंगे, उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स। अंकल आपने पहचाना ये फोटो, वो देखो हम लोग जनवरी में आए थे। फोटो निकाला, देखो मेरे फोटो निकाला है, जनवरी में आके गया, लड़की नहीं था हमारे साथ में, लड़का था। अच्छा निकाला, देखो फोटो देखो आप है उधर, फिर इसलिए तो इधर ही आया। अभी हम लोग को डिस्काउंट चाहिए, फोटो मेरे ये बड़े को फोटो दे दो, मैं डिस्काउंट दे ले लो, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। हम लोग अभी यहाँ पे आए और ये ऑलमोस्ट मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ बैठे थे, बहुत धमाके खाया था, और जस्ट बीच के बाजू में ही देख सकते हो, बहुत मजा आया था। तो अभी यहाँ पे वापस एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मेरा फोटो भी था, एक फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि दाल और राइस अपन अगर मंगाएंगे तो अनलिमिटेड है, तो आप लोग अनलिमिटेड खा सकते हो, और बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अभी मैंने जो ऑर्डर किया वो भी आएगा, वो भी देखते हैं। सो गाइस ये रसम है, मेरे डैड पी रहे हैं रसम, थोड़ा और डाल दीजिए। बढ़िया है, कैसे बढ़िया है ना। अंडमान आने का लास्ट टाइम मेरी सिस्टर आई हुई थी यहाँ पर, तो हम लोग इस बार वापस आए और इस बार उसको बुक किया है। और कैसा लगा आपको? आईला मच्छी, आईला इधर सचिन तेंदुलकर की मच्छी। सो आप लोग देखिए कि आईला मच्छी कैसी है, चिकन चिल्ली है कि प्रॉन चिल्ली है। ये आईला मच्छी और ये है चिकन चिल्ली, ये साथ में राइस खाऊंगा मैं मस्त की। और सामने इतना अच्छा बीच है, क्या नजारा है यार। सभी उन्होंने लंच किया है, तो वर्थ था, काफी बिल हुआ 1320 का, ऑफकोर्स वर्थ था, बिकॉज यहाँ पे सब चीज महंगी मिलती है, सब ट्रेन से आता है, यहाँ पे कुछ फार्मिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो यहाँ पे सब महंगा ही मिलता है। हमने काफी कुछ ऑर्डर किया था, फिश फ्राई, पनीर, चिकन चिल्ली, चिकन चिल्ली प्रॉन्स, राइस, दाल, रसम, बहुत 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 मजा है, बहुत मजा है।
अभी इस नौकरी के लिए जाऊंगा मैं। देख रहे हैं आप लोग पीछे में, तो ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अभी मैं भी जाऊंगा थोड़ी देर में। जस्ट खाना खाया, थोड़ा उसको डाइजेशन को टाइम लगेगा, उसके बाद में जाऊंगा। बस इतना टाइम ही लगता मुझे खाना डाइजेस्ट करना। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ स्नॉर्कलिंग करने के लिए। आधा घंटा करेंगे ना, 20 से 25 मिनट करेंगे। यहीं पे रहा, यहीं पे गया। तो गाइस स्नॉर्कलिंग करने वाला मैं। आपका नाम क्या है? मानिक कुमार। मानिक कुमार मेरे चैनल पे, वो हम लोग के गाइड है, वो हम लोग बताएंगे। जैसे डेंजर नहीं है ना, डेंजर सब लोग कर सकते हैं, राइट? सभी लोग कर सकते हैं। ओके, सब लोग कर सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल भी डेंजर नहीं है। जस्ट अभी मैंने स्नॉर्कलिंग की और बहुत 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 मजा आया मेरे को देख के। डैड को भी जोश आ गया और डैड ने भी किया, और डैड को भी बहुत मजा आया स्नॉर्कलिंग करके। फिर हम लोग लाइट हाउस देखने गए, लाइट हाउस भी बहुत वर्थ था क्योंकि जस्ट नज़दीक ही था, 265 meters। ये यहाँ का लाइट हाउस जो है, जो बहुत सारी जगहों से, लास्ट टाइम मैंने स्कूबा डाइविंग किया था, इस बार स्नॉर्कलिंग किया। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि स्नॉर्कलिंग में आप मुंह और नाक दोनों से सांस ले सकते हो, और आप अपने ट्रेनर से बात भी कर सकते हो। स्कूबा डाइविंग में आपको बातें करने नहीं मिलेंगी, स्कूबा डाइविंग में सिर्फ साइंस होते हैं। वो मैंने लास्ट टाइम पोस्ट किया जहाँ पर मैंने स्कूबा डाइविंग की थी, और यही जगह पे की थी मैंने। फिर उसके बाद जो स्नॉर्कलिंग है, और इसमें और एक डिफरेंस है, ये है कि आपको स्नॉर्कलिंग के टाइम एक एक फिश के बारे में बताया जाता है, पानी की एक एक जगह के बारे में बताया जाता है, कि स्टोन के बारे में बताया जाता है। स्कूबा डाइविंग में बात करने का मौका नहीं मिलता, तो बता नहीं सकते। तो ये काफ़ी वर्थ था। अभी हम लोग जाएंगे सीधा सेलुलर जेल देखने के लिए, वहाँ पे शाम को साउंड एंड लाइट शो भी होगा, वो भी बहुत वर्थ है। फिर वहाँ से सीधा होटल में, और अगले दिन लाइट। तब तक सी यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।